अस्सलाम वालेकुम मैं हूं डॉक्टर सबा मलिक आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा कोर्स है ये फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कोर्स है यानी कि जो पेशेंट्स होते हैं आपने उनकी फ़िजियोथेरेपी किस तरह से करनी है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट उनको किस तरह से देना है तो पहले जो दो लेक्चर थे वो थे असेसमेंट के और हिस्ट्री के आपने किस तरह से पेशेंट को असेस करना है हिस्ट्री कैसे लेनी है मैंने जनरल और बहुत ही बेसिक और मेन चीज़ें बताई थी जो आपको पता होना चाहिए पहले दिन में पे पेशेंट को किस तरह से टैकल करना है किस तरह से उसको कन्विंस करना है इस बात पे कि आप उसको ट्रीट कर सकते हैं कि आप ही उसका इलाज कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के अलावा उसका इलाज कोई नहीं है क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशन हैं जो ना तो मेडिसिन ट्रीट कर सकती हैं ना सर्जरी ट्रीट कर सकती है बल्कि फिजियोथेरेपी ही उनका ट्रीटमेंट होती है तो आपने पेशेंट को इस बात का एहसास दिलाना है ताकि पेशेंट सेटिस्फाई हो जाए अगले दिन भी आपके पास आए तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पहले दो लेक्चर असेसमेंट और हिस्ट्री के होंगे अगर आपने नहीं देखे तो जाके देखा है वो बहुत ही ज़रूरी हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है वो टेनिस एल्बो के बारे में है ये कॉमन कंडीशन है और अगर पेशेंट आपके पास एल्बो पेन से आ रहा है तो ज़्यादातर जो नॉइज़ प्रैक्टिशनर होते हैं वो ये कंसीडर करते हैं कि अगर पेशेंट एल्बो पेन से आ रहा है तो उसको लेटरल एपिकोंडिलाइटिस ही होगा तो लेकिन ऐसा नहीं होता मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगी इसके बारे में लिटल पिकोन्डलाइटस के बारे में कि क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसकी बेस पे आप इसको ट्रीटमेंट दोगे किस तरह से डायग्नोसिस बनाओगे तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो चलें स्टार्ट करते हैं मैं पहले आपको इसकी अनोटमी है थोड़ी सी मैकेनिक्स है वो बताऊँगी उसके बाद हम फर्दर ये लेक्चर हमारा स्टार्ट करेंगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने टेनिस एल्बो के साथ एक दूसरा नाम लिखा है लेटरल एल्बो टेंडिनोपैथी तो यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो टेनिस एल्बो है इसको हम लेटरल एपिकोंडिलइटस नहीं कहेंगे बल्कि हम इसको लेटरल एल्बो टेंडिनोपैथी या फिर लेटरल एप्पिकोंडिलोसिस या फिर हम इसको लेटरल एल्बो टेंडिनोसिस कहेंगे क्यों कहेंगे इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा कि ऐसा क्यों है पहले ये देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि टेनिस बुक क्या है और इसको हम लिटल एप्पीकोन्डस क्यों नहीं कहते पहले कहा करते थे लेकिन अब इसके लिए ये टर्म जो है वो रोंग है काफ़ी बुक्स के अंदर ये मेंशन किया गया है इसके अलावा बहुत सारी रिसर्च इसके बारे में हो चुकी हैं कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई इफ़्लमेशन नहीं होती बल्कि डी प्रोसेस होता है इस वजह से हम इसको लेटरल एल्बो टेंडिनोपैथी कहते हैं या फिर हम इसको लेटरल एपिकोन्डिलोसिस कहेंगे देन हम इसकी टोलॉजी देखेंगे कि किस रीज़न पे किस बेस पे जो है ये डेवलप हो रहा है इसके सिम्टम्स देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे होते हैं आपने किस तरह से हिस्ट्री लेनी है इसके रिगार्डिंग आप किस तरह से हिस्ट्री लेंगे वैसे जनरल जो ओवरऑल हिस्ट्री थी वो किस तरह से लेनी है वो मैंने आपको पहले बता दी हुई है उसके बाद एग्जामिनेशन है एग्जामिनेशन हम किस तरह से करेंगे क्या क्या हम जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस हम किस तरह से बनाएंगे पहले तो हम डीडी बनाएंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे डिफरेंट डायग्नोसिस बनाएंगे फिर हम कंफर्म डायग्नोसिस बनाएंगे देन हम उसके बाद उसका ट्रीटमेंट डिजाइन करेंगे लेकिन ये सब कुछ करने से पहले आपको इसकी अनोटमी और फिजियोलॉजी का पता हो अपर लिम की क्योंकि अगर कोई और प्रॉब्लम है कोई जब आपने डीडी बनाना होता है ना तो डीडी बनाने के लिए आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और इसकी बायो का पता होना चाहिए जब आपके पास नॉलेज होगा तो तब आप अच्छा और कंफर्म एक्चुअल डायग्नोस बना पाओगे और उसके बाद जब आपने डायग्नोस बना लिया तो फिर आपके लिए ट्रीटमेंट देना कोई मुश्किल काम नहीं होता स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो मैं आपको अनोटमी पढ़ाऊँगी कि सिर्फ़ ओवरव्यू दूँगी सिर्फ, सिर्फ मेन बातें बताऊँगी थोड़ा सा कि आपकी अनोटमी जो है वो ज़रा सी रिवाइज हो जाए आपको ये लेक्चर समझने में आसानी हो तो अगर आप देखें जिस एरिया के अंदर सिर्फ ह्यूमरस होती है इसको हम आम कहते हैं और जो नीचे वाला एरिया है इसको हम फोर आम कहते हैं तो जो हमारी आम है इसके अंदर सिर्फ़ एक बोन होती है ह्यूमरस और जो हमारी फोर आम है उसके अंदर दो बोन होती है रेडियस और अलना अक्सर बच्चों को याद नहीं रहता कि रेडियस किस साइड पे थी अलना किस साइड पे थी तो बड़ा ही आसान सा एक तरीक़ा है इसको याद रखने का कि यू से अलना और यू से ही अंदर तो जो अंदर वाली साइड पे बोन है वो कौन सी है अलना यानी कि जो मीडियल साइड पे है वो अलना है और जो लेटरल साइड पे है वो रेडियस है और इसके अलावा जो नर्व या कोई भी आर्टरी या वे जो अल्ना की साइड से पास कर रही है वो अल्नर नर्व है अल्नर आर्टरी है और अगर हम बात करें रेडियस की तो इसी तरह जो नर्व रेडियल की साइड से पास करिए तो वो रेडियल नर्व होगी। इस तरह करके हमने अकॉर्डिंग टू रीजन हमने नाम दिए हुए होते हैं अगर हम जॉइंट को बैक साइड से देखें तो इसका व्यू हो आएगा अगर हम इस इंटीरियर साइड से देखें तो और आता है हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ज्वाइंट्स हैं उन सब का इंटीरियर लेटरल और पोस्टीरियर व्यू डिफरेंट होता है इन सारे व्यू से हमें डिफरेंट डिफरेंट जो हैं एंगल से हमें उनके स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आते होते हैं मैं अभी तो ये सेशन जो है ये फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का सेशन है इसके बाद मैंने एक्सरे का सेशन भी स्टार्ट करना है जिसके अंदर हम हर एक जॉइंट का हर एरिए का एक्सरे या सीटी स्कैन हम किस तरह से पढ़ सकते हैं वो सारा एक सेशन स्टार्ट करूँगी तो आपके लिए ताकि आपके लिए बहुत ही आसानी हो अगर हम इसको इंटीरियर व्यू से देखें तो यहाँ पे आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे वैसे तो एक्सरे के ऊपर मेंशन होता है कि ये इंटीरियर व्यू है पोस्टीरियर व्यू है ये लेटरल व्यू है लेकिन आपको खुद भी पता होना चाहिए कि कौन सी साइड इंटीरियर है कौन सी साइड पोस्टीरियर है तो बड़ा ही एक आसान तरीका है जब आप एक्सरे देख रहे होंगे अगर आपको इस तरह से अगर आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बोनी स्ट्रक्चर नज़र आता है तो यानी कि दो एपिकोन्डाइल के अंदर इस तरह से एक बोनी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब क्या है ये प्रोसीजर है यानी कि ये क्या है ओली ओलिक्रैनन प्रोसेस है इसी तरह अगर आप इंटीरियर साइड पे देखेंगे तो आपको ये कैपिचुलम और जो ट्रोकलिया होगी ये नज़र आएगी जो कि इंटीरियर साइड पे नज़र इस तरह से नहीं आ रही होती ट्रोकलिया अगर हम लेटरल साइड से देखें तो बड़ी राउंड सी नज़र आ रही होती है इस तरह करके राउंड में आगे आपको एक्सरे के अंदर दिखाऊँगी जबकि एंटीरियर साइड में कैपिचुलम और ट्रोकलिया दोनों इसी तरह नज़र आ रही होती हैं जिस तरह ये आपको ये देखें नज़र आ रही हैं अच्छा यहाँ पर है अगर हम पोसीर व्यू की बात करें तो यहाँ पर है लिटरल एपिकॉन्डाइल ये है मीडियल एपिकॉन्डाइल ये रेडियस का हेड है इसी तरह ये अल्ना है ये अल्ना ट्यूब्रोसि है अब एक और आपको बात बताऊं जो मीडियल एपिकोंडाइल होती है ये थोड़ी सी ऊपर होती है ये बोनी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऊपर होता है और लेटर एपिकोंडाइल थोड़ा सा नीचे होता है किस किस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ड्रा करें यहाँ से यहाँ तो आप देख सकते हैं कि जो मीडियल एपिकोंडाइल है ये यहाँ पर है और जो लेटर एपिकोंडाइल है ये यहाँ पर है तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं एक्सरे के अंदर भी आपको नज़र आता है अब हम इसको थोड़ा सा और एलिबोरेट करते हैं कि किस तरह से ये जॉइंट दिख रहा होता है ये देखें यहाँ पर ये कौन सा व्यू है आपको पता चल जाना चाहिए मेरे बताने से पहले ये कौन सा व्यू है ये पोस्टीरियर व्यू है अब पोस्टीरियर व्यू पे अगर आप ये देखें ये यहाँ पर है ये रेडियस ये है अल्ना ये है ह्यूमरस यहाँ पे अगर हम जॉइंट को थोड़ा और जूम करके देखें तो यहाँ पर लिगामेंट्स हैं लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है ये यह सिर्फ यहाँ पे दो लिगामेंट दिखाए गए हैं इसके अलावा और भी लिगामेंट्स होते हैं जो कि जॉइंट को सपोर्ट दे रहे होते हैं जॉइंट को स्टेबिलिटी दे रहे होते हैं जब जॉइंट मूव कर रहा होता है नेक्स्ट करते हैं अब यहाँ पर ये देखें ये है एक्सरे एक्सरे मैंने इस वजह से इंक्लूड किया है कि जब आपको ये नॉर्मल एक्सरे है जब आपको नॉर्मल एक्सरे पढ़ना आता होगा तो अगर कोई प्रॉब्लम कोई फ्रैक्चर आपको नज़र आता है कोई मैस आपको नज़र आता है तो आप बड़े ईजीली उसको जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेरे बताने से पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा व्यू है ये है पोस्टीरियर व्यू ये कौन सा व्यू है ये है पोस्टीरियर व्यू और ये कौन सा व्यू है ये है लेटरल व्यू ये लेट्रल व्यू है यहाँ पर ये देखें ये है उम्रस जो कि आम में है यहाँ पर ये इसका ओलिक्रैनन फोसा है ओलिक्रैनन फोसा और इसी ओलिक्रैनन फोसा के अंदर आके ओलिक्रैनन प्रोसेस आर्टिकुलेट करता है और ये एल्बो जॉइंट बनाने में हेल्प करते हैं अपना रोल प्ले करते हैं ये है सुपरा कोंडाइलर रिज यानी कि लेटरल अपिकोन्डाइल से ऊपर जो रिज है उसको हम सुपरा कोंडाइलर रिज कहते हैं इस तरह मीडियल अपिकोनडाइल से ऊपर जो रिज होता है उसको मीडियल सुपरा कोंडाइलर रिज कहते हैं यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा ये कैपिचुलम है ये, ये कैपिचुलम है इसके अलावा यहाँ पे ये रेडियो ह्यूमरल जॉइंट है रेडियल हेड है नेकफ रेडियस है रेडियल ट्यूबरकल है रेडियस है ये अलना ये रेडियो अल्नर यहाँ पे ये जॉइंट अगर हम लेटरल व्यू की बात करें तो लेटरल व्यू के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड के अंदर के ये ट्रोकलिया नोच राउंड सी नज़र आ रही होती है ये आप नीचे देख सकते हैं ये ओनली ग्रैंड प्रोसेस है सुपरा रिज है ये ये इसके अलावा ह्यूमरस शेफ्ट है एंटीरियर फ़ैट पैड है कैपिचुलम, कोरोना प्रोसेस है रेडियल हेड है नेक ऑफ़ रेडियस है रेडियल ट्यूब्रोसटी ऑफ रेडियस है यहाँ पर एक और आपको मेन बात बताती चलूँ कि जो एंटीरियर फ़ैट पैड होता है यहाँ पर ये देखें ये पड़ा हुआ है एंटीरियर फ़ैट पैड तो ये जो इंटीरियर फ़ैट पैड है इसी तरह यहाँ पीछे पोस्टीरियर फ़ैट पैड भी पड़ा हुआ होता है जब किसी किस्म की जॉइंट इफ़्यूजन हो या इन्फ्लामेशन चल रही हो तो उस केस में ये जॉइंट ये जो एंटीरियर फैट पैड होता है ये इंक्रीज़ कर जाता है इसी तरह पोस्टीरियर फैट पैड भी इंक्रीज़ कर जाता है नॉर्मली एक्सरे के अंदर पोस्टीरियर फैट पैड नहीं आप उसको इतना नहीं देख सकते होते नहीं नज़र आ रहा होता लेकिन अगर कोई इन्फ्लामेशन है कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो उस केस में या फिर इफ़्यूजन है उस केस में आपको इंटीरियर और पोस्टर फैट पैड दोनों नजर आते हैं और जितनी ज़्यादा फ्यूजन होगी तो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको फैट पैड का साइज नजर आएगा आगे बात करते हैं ब्रेकिल प्लेक्स की ब्रेकिअल प्लेक्स जो है ये स्पाइनल कॉर्ड से रिजिनेट हो रहा होता है सी फाइव से टी वन तक सी फाइव से टी वन तक और ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये इसकी रूट्स हैं ये ट्रंक्स हैं डिवीजन हैं कॉर्ड्स हैं और ब्रांचेज हैं यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न किस नर्व से है वो है रेडियल नर्व पांच नर्व यहाँ से निकलती हैं जो कि अपर आर्म को सप्लाई कर रही होती हैं हमें किस से यहाँ पर कंसर्न है हमें रेडियल नर्व से कंसर्न है ये है रेडियल नर्व जो कि रेडियल ग्रूव से पास कर रही है रेडियल ग्रूप जो ह्यूमरस होती है उसकी जो शाफ्ट है उसकी पोस्टीरियर साइड पे रेडियल ग्रूव लाई कर रहा होता है उसकी शाफ्ट का जो मिडल वाला पार्ट है जैसे कि हमने जब हम किसी भी बोन को पढ़ते हैं तो हमने उसके जो है एरियाज को डिवाइड किया हुआ होता है इसी तरह जो उसका मिडल वाला पार्ट है उसमें रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होता है या फिर उसको रेडियल सल्कस भी कहते होते हैं वहाँ से रेडियल नर्व पास करती है और अक्स अक्सर ऐसा होता है कि अगर शेफ्ट का फ्रैक्चर हो गया तो उस केस में रेडियल नर्व की जो है वो इंजरी हो जाती है रेडियल नर्व की इन्वॉलमेंट जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर शेफ्ट का फ्रैक्चर हो जाए अच्छा ये फिर हम जब रेडियल नर्व के बारे में पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बातें बताऊँगी इतना ज़्यादा डीप नहीं जाते तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर है ट्राइसेप ये है ट्राइसेप तो ट्राइसेप का जो मीडियल हेड और लेटरल हेड है इसके दरमियान से पास करिए और यहीं पर फिर ये नर्व इसको सप्लाई भी देती है मोटर सप्लाई देती होती है इसी तरह ये नीचे आएगी अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये है सुपिनेटर मसल सुपिनेटर मसल से ये पास करती है यहाँ से मसल से प्रीस करती है कुछ बुक्स में प्रीस का लिखा हुआ है लेकिन क्या करती है बड़ी क्लोज प्रेक्जिमिटी के अंदर यहाँ से क्या कर रही होती है पास पास हो रही होती है और दो डिवीजन भी देती है अपनी एक डिप डीप ब्रांच देती है एक सुपरफिशियल ब्रांच देती है तो यहाँ इस एरिया पे क्या होता है कि रेडियल नर्व के कंप्रेशन के बड़े चांसेस होते हैं जिसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है जिसको हम रेडियल टनल सिंड्रोम कहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी पेशेंट को टेनिस एल्बो होता है तो हम ये समझते हैं कि उसको एल्बो पेन है उसको टेनिस एल्बो है और सिम्टम्स भी आते हैं रेडियल टनल सिंड्रोम के और टेनिस एल्बो के सिम्टम्स सेम होते हैं लेकिन एक जो पॉइंट टेंडरनेस होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है तो उससे हमें पता चल जाता है कि रेडियल टनल सिंड्रोम है या फिर लेटरल एपिकोंडलोसिस है आगे करते हैं हम अब यहाँ पर हम देखेंगे मसल्स uh, के बारे में थोड़ा सा मैं आपके मसल्स को भी रिवाइज़ करवा दूँ अब यहाँ भी हमारा मेन कंसर्न किस चीज़ से है हमारा एक्सटेंसर जो कामन एक्सटेंसर मसल्स हैं उससे हमारा कंसर्न है ये हैं कामन एक्सटेंसर मसल अगर आप लेटरल व्यू के अंदर देखें तो ये हैं कामन एक्सटेंसर मसल्स आपने वीडियो को पॉज करके दूसरे भी सारे मसल्स को एक दफ़ा देख लेना है लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको जो इस कंडीशन में मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में बताऊंगी तो एक बड़ा ही मेन मसल टेनिस एल्बो के अंदर इफेक्ट होता है वो है एक्सटेंसर कारपाई रेडियाल ब्रेविस इसी तरह एक और मेन मसल है जो कि इन्वॉल्व होता है वो है एक्सटेंसर डिजिटोरम लेकिन ज़्यादा इन्वॉलमेंट एक्सटेंसर कारपाई रेडियाल ब्रेविस की होती है अगर फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन की बात करें तो उनमें एक्सटेंसर डिजिटोरम भी इन्वॉल्व हो रहा होता है अब हम इटियोलॉजी करेंगे कि एटियोलॉजी क्या है इसकी जिसमें हम ये देखेंगे कि असल में, में हम क्या देखेंगे काज देखेंगे कि किस वजह से टेनिस एल्बो डिवेलप हो रही है मैं आपको आगे चल के यह भी बताऊंगी कि हम ने इसके जो नेमिंग दी हुई है किस बेस पे दी हुई है और एक्सटेंसर कर पाए रेडियल ब्रिविस ही क्यों इन्वॉल्व हो रहा है दूसरे मसल्स क्यों नहीं इतने इन्वॉल्व हो रहे हैं हालांकि वो भी कॉमन एक्सटेंसर मसल है यानी कि कॉमन एक्सटेंसर जो मसल्स हैं सारे उनकी इन्वॉलमेंट सबकी होनी चाहिए लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंसर कर पायरेडियलस ब्रीविस ही क्यों होता है ज़्यादा इन्वॉल्व ये देखेंगे अच्छा अब ये देखें आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर लें कि टेनिस बुक किस तरह का दिखता है ये देखें ये यहाँ पर है ये लेटरल एपिकोंडाइल लेटरल एपिकोंडाइल पे ये जो रिस्ट के एक्सटेंसर मसल हैं ये सारे यहाँ पे यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं और जाके ये इंसर्ट होते हैं फिंगर्स पर यानी कि हैंड पे जा कर हो रहे होते हैं। अब क्या है कि अगर आप इसको थोड़ा सा और जूम करके देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे टेंडन की डी जनरेशन है अब ये डी जनरेशन क्यों है जब कोई भी पर्सन रेपिटेटिव मूवमेंट करता है तो उस केस में क्या होता है जब रिपीटेटिव मूवमेंट करता जाएगा ओवर यूज़ करेगा अपने टेंडन्स को तो उस केस में क्या होगा कि वहाँ पर इंजरी होगी माइक्रोट्रोमा होगा टीयर हो जाएगा टेंडन के अंदर जब माइक्रोट्रोमा होगा तो वहाँ पर एक नेचुरल प्रोसेस हमारी बॉडी का क्या होता है जब किसी किस्म की कोई भी इंजरी होती है तो क्या होता है इन्फ्लामेशन होता है यहाँ से क्या होगी इन्फ्लामेसन अब इन्फ़्मेशन हुई फिर इन्फ्लामेशन के जो सिम्टम्स हैं पेन वगैरह वो हो गई उसको अब क्या होता है कि पेशेंट जो है वो यहाँ से रेस्ट नहीं करता नो no रेस्ट कोई रेस्ट नहीं करता तो अब ये जो रिकवरी का प्रोसेस चल रहा था ये रिकवरी प्रॉपर यानी कि हीलिंग नहीं होती सही से जब हीलिंग नहीं हो रही तो क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर टिश्यू का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन दोनों ही चीजें चेंज होती जाएंगी जब उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों चेंज हो जाएगा तो उसको हम किस का नाम देते हैं डी जेनरेशन का नाम देते हैं तो ये आपको पता चलेगा किस तरह से डी जेनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है कि जब एक दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब एक पर्सन रेपिटिटिव मूवमेंट करता है ओवर यूज़ करता है यहाँ पे मसल्स के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आता है उस वजह से क्या होता है कि माइक्रोट्रियर होता है ये माइक्रोटियर की रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो है वो क्या करेगी इन्फ्लामेशन करेगी अब किसी किस्म का को कोई रेस्ट नहीं हुआ उसने कोई इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया अब क्या होगा कि हीलिंग नहीं होगी हीलिंग प्रॉपर नहीं हो रही तो टिश्यू के अंदर उसका जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन दोनों चेंज हो जाएंगे यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं री मॉडलिंग कहते हैं यानी कि दोबारा से एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा वो वो स्ट्रक्चर बनेगा जो कि यूज़फुल नहीं होगा जिसकी वजह से पेन होगी तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे इस प्रोसेस को हम डीजनरेशन कहेंगे अब आपको समझ आ गया कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं होती इन्फ्लामेशन अगर हो भी रही है तो बड़े स्टार्ट में थोड़े से टाइम की इन्फ्लामेशन होती है और बाद में वो इन्फ्लामेशन सब साइड होती है अगर माइक्रोस्कोपिकली देखें तो यहाँ पे फाइब्रो ब्लास्टिक एक्टिविटी होती है और जो कोलेजिन होती है उसकी डेपोजिशन जो है वो आ, होना स्टार्ट हो जाती है कोलाजिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो यहाँ पे फिर ये क्या इंडिकेट करता है कि ये डी है ना के इन्फ्लामेशन है इसी वजह से हम इसको फिर टेंडिनोपैथी कहते हैं टेंडिनोपैथी क्या इंडिकेट करती है टेंडिनोपैथी पैथी इज अ वर्ड विच इंडिकेट पैथोलॉजी और एनी काइंड ऑफ डिजीज ठीक है और इसी तरह या फिर हम इसको लेटरल एल्बो टेंडिनोसिस कहेंगे टेंडिनोसिस का जो वर्ड है टेंडिनोसिस ये जो ओसिस का वर्ड है ये इंडिकेट करता है ये किसको इंडिकेट करेगा नेक्रोसिस को ये नेक्रोसिस ये इससे वर्ड लिया गया है इसका जो इसका जो सुफिक्स है ओसिस से लिया गया है तो टेंडिनोसिस इंडिकेट करेगा या फिर आप इसको लेटरल एल्बो एपी कहेंगे यानी कि या फिर आप इसको लेटरल या लेटरल एपिकोंडी कोंडिलोसिस कहेंगे अब आपको समझ आ गया होगा कि हम इसको लेटरल एपिकोंडलाइटस नहीं बल्कि लेटरल एपिकोंडिलोसिस कहेंगे अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोबारा से देख लें इसको पीछे करके अगर इस तरह से भी नहीं समझ आ रहा तो फिर आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना है मैं इसके डी जनरेशन के प्रोसेस पे अलग से एक वीडियो बना दूँगी अच्छा अब हम आगे देखते हैं कि जो एक्सटेंसर ये तो आपको समझ आ गया किस तरह से ये सारा प्रोसेस हो रहा है अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही पेशेंट जो है ये देखें ये रिस्क एक्सटेंसर है मतलब अब जैसे ही जो हमारी रिस्क बैकवर्ड मूव करेगी यानी कि एक्सटेंड होगी तो उस केस में यहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये क्या इंडिकेट करता है लेटरल एपीकोन्डलोसिस को इंडिकेट करता है इसको हम थोड़ा सा और जूम करके देखें ये है कॉमन एक्सटेंसर टेंडन ये कॉमन एक्सटेंसर टेंडन इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ ये ये हैं कॉमन एक्सटेंसर टेंडन और जो मसल सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है वो कौन सा है एक्सटेंसर कर पाए ब्रेविस और ये मसल कौन सा है इसको मैं आपको ये है ये वाला मसल है एक्सटेंसर कर पाए रेडियालस ब्रेविस जो कि सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा होता है अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्सटेंसर कर पाए रेडियालस ब्रेविस ही क्यों ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा होता है क्योंकि जब रिस्ट एक्सटेंड करती है सॉरी uh, क्योंकि जब एल्बो एक्सटेंड कर रही होती है उस या फिर एल्बो जब आप स्ट्रेट करते हैं या एक्सटेंड करते हैं बात एक ही है तो उस केस में ये जो एक्सटेंसर कारपायरी डी एल है उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है उसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है इतना दूसरे कामन एक्सटेंसर मसल के ऊपर नहीं पड़ रहा होता जितना इसके ऊपर पड़ रहा होता है अब क्योंकि इसको ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो बेयर करना पड़ता है ज़्यादा वर्क लोड करना पड़ता है उस केस में वीकनिंग भी सबसे ज़्यादा एक्सटेंसर करपाइ रेडियालस ब्रेविस की होती है ज़्यादा स्ट्रक्चर का चेंज भी एक्सटेंसर कारपाई रेडियालस ब्रेविस के अंदर होता है तो हमें एक्सरसाइज भी हमारी जो एक्सरसाइज हम पेशेंट को करवाते हैं उसका फोकस भी ज़्यादा इसी मसल पर होना चाहिए लेकिन ये नहीं है कि हम दूसरे एक्सटेंसर मसल को जो है वो अपनी कॉन्सिड्रेशन में नहीं लेंगे उनको भी लेंगे जो एक्सटेंसड कर्पाइर डी एल्स ब्रेविस है जैसे ही हम अपनी आर्म को एक्सटेंड करते हैं स्ट्रेट करते हैं तो ये रिस्ट को स्टेबलाइजेशन देता है रिस्ट को स्टेबलाइजेशन देगा तो इसी वजह से इसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है इसी वजह से इसकी इन्वॉलमेंट ज़्यादा होती है या फिर एक्सटेंसड डिजिटोरम की बात करें तो उसी के उसके ऊपर भी लोड जो है पड़ रहा होता है इस वजह से उसकी भी इन्वॉलमेंट हो रही होती है बाकियों की भी होती है लेकिन ये दो मसल जो है ये ज्यादा कॉमन है इनमें से ज्यादा बल्लेबल कौन सा होता है एक्सटेंसर कर पाए रेडियाल स्प्रेड